नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक तुला राशि वाले जातकों के जीवन में माता दुर्गा की कृपा से हैं यह घटनाएं होकर रहेंगी और इन घटनाओं को आप चाहकर भी नहीं टाल सकते, चाहे तो आप हमसे लिखवा कर ले सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में इस समय कुछ अनोखे परिवर्तन होने वाले हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो कि आपके जीवन के तमाम दुख तकलीफें समस्याएं संकट और आर्थिक तंगों से भी आप लोगों को छुटकारा दिलवाने वाली हैं और आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करने के साथ साथ आपको जीवन के सबसे बड़े खुशखबरी भी प्राप्त होने वाली हैं तथा आप अपने जीवन में कई प्रकार के दुख तकलीफें समस्याओं से छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं। माता दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में आपको बड़े चमत्कार करने के मौके भी प्राप्त होंगे। आपके जीवन के सारी दुख तकलीफों से आपको छुटकारा भी प्राप्त होने वाला है। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशि फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, माता दुर्गा की कृपा से आप लोगों का समय काफी अच्छा रहने वाला है। आप कुछ नए लोगों से जुड़ सकते हैं। आपको रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में काफी बड़े खुशखबरी मिलेंगे। कारोबार के क्षेत्र में बढ़ोतरी होंगे। आप अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव कर सकोगे। आपके द्वारा की गई वित्तीय योजनाएं सफल होंगे। आपका धन अचानक से बढ़ सकता है। आप परिवार में खुशी और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। आप विवाहित जीवन के सुखों का आनंद कर सकते हैं। आपके सभी काम बिना रुके पूरे होंगे। हनुमान जी की कृपा से आपको नौकरी के क्षेत्र में रही बाधाओं को दूर करने के मौके मिल सकते हैं। आपके वित्तीय स्थितियों में सुधार हो सकता है। आप अपने समक्ष को आप अपने समझ और अपने अनोखे जीवन में बेहतर प्रदर्शन करने के बदौलत आप अपने जीवन में काफी नए खुशियों को अर्जित कर सकते हैं और आप अनोखे और बेहतरीन कार्य को कर सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप अध्यात्मकता की ओर अधिक झुकाव रह सकता है। आपको बेरोजगार युवाओं को अच्छे रोजगार मिल सकते हैं। नौकरी करने के लिए आपको कॉल या फिर पहले से कोई साक्षात्कार आ सकता है। आपको कोई अचानक खुशखबरी मिल सकती है। नई नौकरी करने के आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि आपका यह समय काफी शुभ रह सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अनोखा प्रस्तुत अनोखा एक नया और एक नए देखने को मिल सकते हैं तथा आपको कानूनी विवादों से भी छुटकारा मिल सकता है। आप काम काजों को लेकर काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपके सभी काम सही समय पर पूरे होंगे और लगनता से आप अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको नौकरी पैसे वाले लोगों को नौकरी में उनके सहयोगों का पूरा साथ मिलेगा। व्यापार और व्यवसाय में उन्नति का योग बन रहा है। नौकरी में तरक्की होने की संभावना के योग हैं। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेंगे। आपको उच्च पदों की प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। आपके पास समय की अधिकता रह सकती है। आपका समय मौज मस्ती में निकलने वाला है। शनिदेव जी के आशीर्वाद से आप अपने सभी कार्यों में सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होंगे। व्यापार व्यवसाय में आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। आप अपने सच्चे प्यार को प्राप्त करने वाले हैं। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होंगे। आप अपने काम काजों की योजनाओं को पूरा कर सकते हैं। आप सभी योजनाओं पर धैर्य से काम लेंगे। आपके द्वारा की गई मेहनत का अच्छा लाभ मिल सकता है। अचानक से आपको लाभ के कई अवसर हासिल हो सकते हैं। घर में किसी खास मेहमानों का आगमन होंगे जिनसे कि घर परिवार का माहौल खुशनुमा बना रह सकता है। आपके जीवन में जिम्मेदारी से उठाए हुए कदम भी आप लोगों के लिए काफी शुभ होंगे। भगवान श्री जी की कृपा से आप लोगों को मेहनत का परिणाम प्राप्त होने वाला है। आप लोगों की किस्मत भी बदलने वाली है। महाबलत में आप लोगों पर मेहरबान होने वाली है जिनसे कि आपको धन की प्राप्ति बहुत ही जल्द होंगे। खास तौर पर जो लोग व्यापारी वर्ग के जातक हैं उनको व्यापार के क्षेत्र में अचानक से मुनाफा मिल सकता है। आपका धन संचय करने में सफल होंगे। आपके धन में लगातार बढ़ोतरी होंगे। आपकी बनाई गई योजनाएं भी सफल होंगे। काम काज से जुड़े कुछ बेहतर कार्य कर सकते हैं। बेहतर सहयोग भी आपको प्राप्त होंगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होंगे। आपके धन में वृद्धि हो सकती है। आपके द्वारा की गई मेहनत भी रंग ला सकती है। कार्यस्थल में बड़े अधिकारी भी आपके खुश होंगे। विद्यार्थियों को मन में पढ़ाई में लगेगा। संतान की ओर से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी और बिजनेस क्षेत्र में आपको नौकरी और बढ़ाने का नई प्लानिंग कर सकते हैं। धन की तंगिया में अचानक से खत्म होंगे। रिश्तों और संबंधों में मधुरता बनी रहेंगे। व्यापार में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। आपको विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों, आप लोगों को व्यापारिक
सामाजिक व्यवसायिक क्षेत्र में कार्य को करने के, नई योजनाओं को बनाने के, धन दौलत के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने के, कई जगहों से आप लोगों को रुपए पैसे को पाने के ढेरों सारे मौके भी प्राप्त होने वाला है। आप लोगों के व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी की प्राप्ति होंगे, बिजनेस के क्षेत्र में भी आप लोगों को सफलता मिलेंगे, आप लोगों का दाम्पत्य जीवन भी काफी बेहतर रहेंगे। आप जिस भी कार्य को करने के बारे में सोचेंगे वो सारे का सारे कार्य भी आप लोगों का सफल होंगे, आप लोगों को सारे के सारे कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेंगे। बस आपको सही जगह निवेश करने से पहले अच्छे से विचार करने होंगे। आप कार्य को करें, आपको कार्य को कर डालने में भलाई रहेंगे, आप लोगों को सफलता मिलेंगे। काम धंधों से संबंधित कार्य क्षेत्र में आप लोगों को अच्छी बिक्री होने से आपका मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। लोहे से संबंधित कार्य से भी आप लोगों के व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे और कुछ नए ऑर्डरों को प्राप्त कर सकते हैं जिनमें के आप लोगों को सफलता मिलेंगे। नौकरी पेशे वाले वर्ग को भी, सेल्स कर्मचारियों को भी अधिक भाग दौड़ी करनी पड़ सकती है। आप लोगों को अपने काम काजों को पूरा करने में बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों का बल लगाना पड़ सकता है, जो आप लोगों को नए योजनाओं को बनाने में सफल होंगे। घर पर कैसे पुरानी बात को लेकर थोड़े से बहस हो सकती है, कई प्रकार के ऐसे भी कहानियां हो सकती हैं जो आप लोगों को थोड़ा अटपटा या फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवा दे। मित्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों को इस समय तनाव में रहने से बचने का प्रयास करने होंगे, क्योंकि तनाव में आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों का स्वास्थ्य भी काफी अच्छे होंगे, परंतु मानसिक थकावट की स्थितियां भी देखी जा सकती हैं। ध्यान करना आपके लिए लाभकारी साबित होंगे, इसलिए आप योग इत्यादि जरूर करें। आज के दिन आप भगवान सशस्त्र नाम का जरूर पाठ करें। भगवान विष्णु जी के सशस्त्र नाम के पाठ को करने से आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होंगे, और वहीं गरीबों में चावल का दान करना भी आप लोगों के लिए शुभ रहेंगे। आप लोगों के जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख तकलीफें हैं, उन सारी के सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेंगे। आपको कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। व्यापारिक व्यवसायिक कार्य के लिए आज का दिन थोड़ा सा समस्याओं का सामना भी करवा सकता है। आपको किसी भी प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। काम धंधों से संबंधित कार्यों के क्षेत्र में किसी प्रकार की रुकावट भी देखी जा सकती है। ऐसे में बेफिजूल के बात से आप लोगों को बचकर रहने की जरूरत होंगे। आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय सही कार्यों में लगाने की कोशिश करें। सही योजनाओं के तहत कार्य को करोगे तो आप लोगों को बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। मशीनें कल पुर्जों की खराबी के चलते आप लोगों को इस समय प्रोडक्शन में कमी भी देखी जा सकती है। नौकरी पेशे वाले वर्ग को भी कर्मचारी से किसी भी प्रकार के कोई भी गलत काम में फंसा सकता है, उन्हें परेशानी हो सकती है, नौकरी का खतरा हो सकता है। मित्रों, आप लोगों को बहुत ही सावधानी और सतर्कता के साथ कार्य को करने के जरूरत रहेंगे। अगर आप अपने ईमानदारी से कार्य को करोगे तो आप लोगों के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं, कई प्रकार की खुशखबरी भी प्राप्त होंगे। जो लोग इस समय नौकरी पेशे वाले हैं उन लोगों को भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे, उन लोगों को भी नई योजनाओं के तहत कार्य क्षेत्र में लगातार सफलता की प्राप्ति होंगे। आप अपने व्यापारिक व्यवसाय की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, बेरोजगारों को भी रोजगार की प्राप्ति होंगे। घर परिवार में धार्मिक उत्सव का वातावरण बना रहेंगे और कैसे धार्मिक कार्यक्रमों को करवा सकते हैं, जैसे कि आप भगवान विष्णु के पूजा पाठ कर सकते हैं, आप घर में हवन करवा सकते हैं या कोई मांगलिक कार्य करवा सकते हैं। बच्चे का जन्म भी आप लोगों के घर में अच्छा होगा। आप लोगों के घर में नए मेहमानों की प्राप्ति होंगे जिनकी वजह से आप लोगों को काफी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। आप लोगों के जीवन में हर प्रकार के कार्य भी सुविधा के जनक होने वाले हैं। आप कुछ दान पुण्य करने के बारे में जरूर सोचिएगा जिनसे कि आप लोगों को फायदा हो सके। कमर के निचले हिस्से में आप लोगों का दर्द हो सकता है जिनके कारण आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना भी आप लोगों को करना पड़ सकता है। हल्का बुखार या हल्का आप लोगों को सरदर्द की समस्याएं भी जकड़ सकती हैं। मित्रों, आज के दिन आप लोगों को व्यापारिक व्यवसायिक क्षेत्रों में भी कार्य बदलाव करने की जरूरत होंगे। आप अपने मजदूरी के वर्ग के लोगों को भी मजदूर व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। जो लोग इस समय कपड़े का व्यापार व्यवसाय करते हैं उन लोगों को भी अपने व्यापारियों की संख्या में कार्य क्षेत्र में बहुत ही बड़ी सफलता को देखी जा सकती है। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को भी लाभ की प्राप्ति होंगे। आपको कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता मिलेंगे, बिजनेस व्यापार के
क्षेत्र में आप लोगों को भाग का साथ मिलेंगे और आप लोगों को बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। मित्रों इस समय कई सारे लोग आप फेवर में रहेंगे, तो कई सारे लोग आप लोगों के साथ किसी बड़े मुसीबतों का कारण बन सकते हैं और किसी बड़ी योजनाओं के तहत आप लोगों को फंसाने का कार्य कर सकते हैं। उन सभी लोगों से भी आप लोगों को बचकर और सावधान होकर रहने की जरूरत रहेंगे जो आपको आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट का कारण बनते हैं। मित्रों यह समय आप लोगों को जीवन में कुछ नए और कुछ ऐसे करने का प्रयास करने होंगे जिनसे कि आप लोगों की अलग छवि अलग पहचान बना सकें। घर परिवार में किसी के हट के चलते आप लोगों की कहा सुनी हो सकती है। ठंडे दिमाग से समझदारी के साथ बैठकर चर्चा करना आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। आपको किसी के साथ पे चीना छपे या किसी के साथ पे दुर्व्यवहार को करने से बचने का प्रयास करने होंगे। ऊंची आवाज में किसी के साथ भी कोई भी बातों को न करें। सर्दी जुकाम जैसे भी आप लोगों को समस्याएं देखी जा सकती हैं। मित्रों अगर आप लोगों के जीवन में इस समय किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, आप लोगों को पैसों से जुड़े तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ आप आज भगवान सूर्यदेव के आदित्य स्रोत का पाठ कर सकते हैं। ऐसे में किसी न किसी रूप से भी आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होंगे। आज के दिन लाल कपड़े आप जरूर पहनकर बाहर जाएं जिनसे कि आप लोगों के सारे बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, आपका दिन बेहतर बने। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां बिंदुवासिनी।